बात न समझे, हालात न समझे, मेरी बात न समझे, मैं लख समझावा जज्बात न समझे, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, मैं दुनिया नाल ते लड़दा सी, मैं दुनिया नाल ते लड़दा सी, माही दे नाल न लड़ सके, माही पढ़िया ओ माही पढ़िया ओ माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके। माही पढ़िया माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके। ओद दिल विच मेरा प्यार नहीं, अनु मेरे ते ना फड़ सके, माही पढ़िया ओ माही पढ़िया ओ माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, मैं दुनिया नाल ते लड़दा सी, मैं दुनिया नाल ते लड़दा सी, माही दे नाल न लड़ सके, ओ माही पढ़िया लिखिया होके मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया होके भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके। क्या बात है उर्वास, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अख़वातीनो हज़रात। अब सोच रहे होंगे कि आज जुगना पी उस्तानी बन के बैठी हुई है, आज मैंने उस्तानी ही बनना है। आज फाइनल थ्री लोग डिसाइड होंगे हमारे ग्रुप बी में से, और कल हमारा फाइनल है जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी का आपस में कॉम्पिटिशन होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड के प्राइजेस, कैश प्राइजेस हमारे पास है। उसके अलावा जो टैलेंट और जो हुनर इनको सीखने का मौका, खैर अपने नेचुरल टैलेंट के साथ जो इनको हुनर सीखने का मौका मिलेगा वो फरा जी से मिलेगा। क्यों ने भी इनकी सपोर्ट करेगा, साथ में इनको हेल्प आउट करेगा सैलॉन डिज़ाइनर्स भी, जिन्होंने डे वन से हमारे साथ ये एक जर्नी स्टार्ट की है। ये काविश शुरू करने का एक ही रीज़न था कि किसी एक मेकअप आर्टिस्ट जिसका काम बहुत बेहतरीन है, जो बाल अच्छे बनाते हैं, मेकअप अच्छा बनाते हैं, उनको मौका दें कि वो आगे बढ़ सके। हर इंसान के पास वो फाइनेंसेस और वो सिचुएशन नहीं होती कि वो अपने आप को सोलिडिफाई कर सकें और अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकें। फाइनेंसेस के अलावा भी अगर आपके पास पैसे हैं भी बट अगर आपको काम ही नहीं आता तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अभी तक जो लोग हमारे पास आगे आए हैं वो इन देमसेल्व्स हमारे लिए सुपरस्टार्स हैं। आप जानते हैं फरा हैदर साहिबा फ्रॉम फरा ब्यूटी सैलॉन इस्लामाबाद PWD, फेमस यूट्यूब मेकअप आर्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया में मेकअप की क्लासेस देती हैं, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारी जज हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक फरा जी, आप बिल्कुल तैयार हो गई हैं, जैसे आप एक्चुअली बारात अटेंड कर रही हैं, और आज मैं पूरी की पूरी जो उस्तानी नहीं होती डांटने वाली, तबीयत ख़राब कराने, वो
सेटिंग वाली, मैं वो वाली बनी हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए कमिट किया था 1 लाख रुपए, सो वी हैव 1 लाख रुपीज। सेकंड पोजीशन के लिए जैसे कि आप जानते हैं हमने डब्बे तोड़ दिए, तो फिर मेरी ना बेइज्जती करना प्लीज़। सेकंड पोजीशन के लिए भी वी हैव 50,000 रुपीज, सो दैट्स देयर एज वेल। कैश इसलिए सामने लेके आए हैं कि लोग कहते हैं हमें चेक नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ, हम लेके आए हैं। बात एक्चुअली पैसों की नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अपने आप को स्क्रीन पे एस्टैब्लिश करना एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव था और अपने आप को नंबर वन बनाना। एंड देन वी हैव 25,000 रुपीज इन पोजिशन नंबर 3। सो बेस्ट ऑफ लक आज के लिए। अभी आप लोग अपना काम नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि फाइनल जो डे होता है डिसाइड करने का, हमारे फाइनल 3 फाइनलिस्ट, वो ज़रा टफ होता है, उसमें हम कुछ भी कर देते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीक भी किया था। और अगर लास्ट वीक का आपने शो देखा था तो फिर आपको पता होगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। हम शफल करेंगे आपकी गर्ल्स को, और किसी के पास भी कोई भी गर्ल आ सकती है और आपने उनका मेकअप करना होगा। अल्टीमेटली तो देखो यही बात होती है ना कि किसी का भी मेकअप, और शफल करेंगे हम ब्रेक के बाद, पर्चियाँ डाल के उस तरह से करेंगे। उस दिन सब कह रहे थे कि यार हमें तो आपने अपनी मर्जी से कर दिया, मैं सारी बच्चियों के नाम जो है वो डाल दूंगी एक बोल के अंदर, ठीक है, और हर बंदी जो है वो खुद पिक करेगी और जो वो पिक करेंगी वही उनकी मॉडल बनेगी, ठीक हो गया। तो एक बोल में हम नाम डालेंगे 6 लड़कियों के, उनमें से जो जिसके पास गई वो उनके पास गई, ठीक है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी फेयर। लेकिन मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो 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 जिस जिस बच्ची के हिसाब से अपनी ज्वेलरी लेके आया है वो भी हैंड ओवर कर दे, और अपनी बेस भी जो है वो उनको दे दीजिए, क्योंकि देखो बेस मैच करके आप लोग लेके आए होते हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर मार्जिन दे देती हूँ कि एटलीस्ट जो भी लड़की जाएगी एटलीस्ट आप लोग मेकअप्स वगैरह एक दूसरे को दे देना, दिन वापस ले लेना एक दूसरे से, इतना कोई इशू तो नहीं है, राइट। द होल पॉइंट इज किसी का भी कभी भी क्या आप लोग मेकअप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का जिस दिन आपने दुल्हन को तैयार करना होता है मौका मिलता ही नहीं, सो ये बड़ी सीरियस चीज़ें होती हैं। परा जी आज क्या कैसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये हम ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। एक दफ़ा हम बच्चियों को शफल कर लें, और मेरे पास भी हमारे साथ हैं, इनकी तो आवाज़ इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी है, यंग और ब्रिलियंट सिंगर भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा जब बड़ा ही प्यार है, फैसलाबाद से हैं, और फैसलाबाद की तो पता नहीं मिट्टी में क्या है कि जो उधर से निकलता है उसकी आवाज़ ज़रूर खूबसूरत होती है। और आपका ये जो रिसेंट सॉन्ग आपने सुना ये तो बहुत ही वायरल हुआ है, और क्या मज़े का सॉन्ग बनाया है यार, सब मिलके तालियां बजाएंगे हुर के लिए। और छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।
सब लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आप इनको पहले बताएं, फिर इनको ना वो सिलेक्ट करें और फिर इनको बताएं और फिर इनको फायर करें। बताइए आप आ जाओ बेटे, पहले पास आ जाएं, दूर की नज़र मेरी ज़रा कमज़ोर है, इसलिए जो है वो आज आप लोगों की साथ गलतियां भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा पेज भरा हुआ है इससे कि आप मैडम बोलती नहीं है लास्ट के ऊपर। अब देखो बेटे, आपने बिल्कुल भी बेस भी इसकी बिल्कुल कैमरा करीब करके दिखाएं, बिल्कुल कानों के ऊपर देखें बेस, और यहाँ पे बिल्कुल भी बेस अच्छी नहीं है। और इस मॉडल के इतने प्यारे फीचर्स थे, स्लिम स्मार्ट फीचर्स थे, और देखें है ना जो है वो ग्लिटर कहाँ तक लगा हुआ है और किस तरीके से लगा हुआ है, लाइनिंग्स कितनी हैं, और लिपस्टिक बिल्कुल बहुत ही छोटे लिप्स बना दिए, बहुत ज़्यादा छोटे लिप्स। और बेटे लिप्स की शेप वियर्ड आपने बनाई है, आपने इसको ऐसे कर, इधर आओ जी, आपका खुद यहाँ पे खड़े होकर देखना ज़रूरी है, आपको लिप्स ठीक लग रहे हैं? यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट एंड लुक जी, सेव और एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, आईज बंद करो बेटे, इसको कल भी मैंने बताया था। एक सेकंड मैम, मैं जरा इनको खुद यहाँ पे खड़ा करके पहले दिखाती हूँ, आपकी आईज सेम है, आ जाए जी। फरा जी, मेकअप जो गन इनका फिर भी ठीक है बाकी लोगों की कंपैरिजन, लेकिन जो ये जो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया कि इसकी नाक बिल्कुल छोटी है, बारीक है, तीखी है, और कभी भी हाइलाइटर जो है वो इतना चौड़ा, क्योंकि नाक के अंदर जितनी ये वाली मिड आपकी सेंटर वाली लाइन जो है वो हाइलाइटर जितना बिल्कुल आप बिल्कुल थिन सा लगाएंगे उतनी नोज़ आपकी और प्यारी लगेगी, तो इसलिए जो है वो इनका मेकअप जो है वो अच्छा है। और लेकिन हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल बिठा दिया यहाँ से और इस साइड से भी, अगर यहाँ से बिठाया तो फिर यहाँ पे वो लग रहे थे तेल सिर पे लगा हुआ था, तो आपने मैनेज किया, कंटूरिंग जो है वो उसमें उस तरीके से वो नहीं की, थोड़ा हाई होना चाहिए था। फरा जी सेव या एलिमिनेटेड, इनको अभी आप ना वो उसमें रख लें डिसीजन जी, ऑप्शन में रख लें, ऑप्शन में अभी रख लें वापस जी। फरा जी टाइम कम है जी जी, बस जल्दी रिम कर रहे हैं ताकि इनको जुगन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है वो इनका जो है वो मेकअप जो है वो बिल्कुल भी इन्होंने सही तरीके से वो नहीं लगाए कलर, नॉट ब्लेंडेड। आज आप एक सेकेंड यहाँ पे आए खड़ी हो और देखें मेकअप, और आप देखें कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये गुलप्पा बना हुआ है, व्हाई इज इट सो। आइए इधर आइए, और कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने बेटा आई लिड के ऊपर पानी का से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई के नीचे पड़ता है पानी, निकल रहा था बहुत मेहनत से, वो मेरे बाल और ऊपर नीचे हो गए, इसके रखने के लिए टू डेज मेरा आपको पता क्रैक नहीं हुआ, ब्लेंडिंग का कोई ताल्लुक और बिल्कुल भी आपका मेकअप इनका नहीं अच्छा आज का, वापस चाहिए प्लीज। आइए नेक्स्ट, इनका भी देखें कि सबको मैं ये कहती हूँ कि ना जब आप बेटे आइज़ बंद करो, कि जब भी आप आपके पास पफ़ी आँख आए आप कभी भी उसके ऊपर ग्लिटर ना लगाएं, आप उसको मैट शेड के अंदर रखें और उसी में फिनिशिंग दें। और इन्होंने देखें ग्लिटर उसको लगा के, और इनका भी ग्लिटर देखें जगह जगह के ऊपर से किस तरीके से फटा हुआ है, और जो है वो बाकी बेस इनकी अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं, बट ग्लिटर नहीं इनको इस आइज़ पे लगाना। नेक्स्ट बेटा, जुगन ये आप मॉडल को बिफोर भी इनका फेस दिखा दें कैमरे के करीब करके, आज भी इनकी वही मिस्टेक्स हैं, देखें कि बेस पाउडर लगाया ही नहीं, आप अगर हाथ लगा के देखें तो बिल्कुल ये देखें चिपचिप कर रही है बेस के, बिल्कुल इन्होंने पाउडर ही यहाँ पे और नहीं लगाया नहीं, और ये देखें दूसरी बात बेस बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई है ना, कि ये इतनी खूबसूरत मॉडल है, ये बिल्कुल आपकी तरह वाइट थी, बिल्कुल बेबी फेस है इसका, लेकिन जो है वो इन्होंने आईब्रो देखें उसकी कितनी छोटी बना दी, और जितनी खूबसूरत ये मॉडल थी इन्होंने उसके मुताबिक बिल्कुल भी अच्छा मेकअप ये नहीं किया। बेटा ये तो सबको पता था कि हमने लास्ट टाइम भी सारे स्विच किए थे लोग, ये कोई नई बात तो नहीं है, आप लोगों को तो एक्चुअली पता था, उन बेचारों को तो पता भी नहीं था जी। वापस आइए, ये ठीक है मेकअप जो है वो इनकी बेस भी एक्यूरेट है, यानी कि शेड देखें इसकी भी बहुत छोटी आंखें, आंखें बंद करें आप आईज बंद करें, इनका इन्होंने मैट शेड लगाया वो दूसरा नहीं लगाया, ग्लिटरी नहीं लगाया, यानी कि आंख बहुत छोटी है, इसको आप सेव कर लें, इनको सेव कर लें। चलो जी, पहला बंदा जो सेव हो गया वो यहाँ पे आ जाए, यो वेलकम, आ जाओ
फरा जी दो और लोगों को सेव करना है जी, आप जो सेव लोग हैं उनको फौरन सेलेक्ट कर लें बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक आप आ जाए। एक आप डिसीजन कर लें है ना प्लीज, जरा थोड़ा सा मुझे भी आपको पता है कि ये दो लोग कल हमारे साथ होंगे, एक और शख्स जल्दी से फराजी प्लीज। बाकी दिनों को देखते हुए आप उनको कर लें सेव, लेकिन ये है कि बेटे सबको ही दो दो दिन, आपके साथ ही सब लोग आए हुए हैं सबको दो आप दो दिन तो नहीं डिसाइड कर सकती कि आपको सेव करना है कि नहीं, जो जज डिसाइड करेंगे फाइनल जजमेंट में, तो मैं भी कुछ बोलती नहीं हूं बिकॉज़ ये लोगों की डिसीजन होती है। बाकी दिनों में जिनका बेहतर रहा है इनका बाकी दिनों में ठीक था, जो फर्स्ट वाले सी सबका बाकी दिनों में बेहतर था, एक ही सारा बह जा रहा है जी। फरा जी प्लीज आप वो फर्स्ट वाली को फिर आप कर आ जाइए। ये हमारे कल के फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इस स्टेज पे भी पहुंचे, और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में मेरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि आप फिर आएं ताकि आप लोग नंबर वन के अंदर होके निकले यहाँ से। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग, तालियां। ये वो लोग हैं जिनका काम बहुत ही ब्रिलियंट है लेकिन इक्का दुक्का चीज़ की वजह से आज के दिन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, बट बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, और ओवर टू यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी फाइनल में। बिछड़ गया दी आसना